हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतने टाइम के बाद आज मैं शूटिंग पे जा रही हूँ। आई एम नॉट वेल, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बट काम तो करना पड़ेगा ना। शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी में कुछ भी हो। मैं ठीक हूँ, रिकवर हो रही हूँ। जिंदगी उथल फुथल सब हो गई है, यू नो। हाँ, स्ट्रांग हूँ मैं, स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। आदिल को, आदिल को, नहीं नहीं, कौन कह रहा है ये? जोया खान। जो नहीं हुआ ना हादसा, जो हमारे साथ हुआ है, हम जैसे लड़कियों के साथ, और खुदा ना करे तुम्हारे साथ हो, क्योंकि हम जो भुगत रहे हैं तुम्हारे साथ, खुदा ना, हम दुआ करते हैं। तुम हमारे यहाँ पे फालतू बातें कर रही हो जोया, खुदा ना करे तुम्हारे साथ हो, और कभी हो भी जाए तो भी तुम फिर हमारे जैसा एक्शन मत लेना। अगर आत्महत्या लड़कियां कर लेती हैं, जो हमारे साथ हुआ, मैंने स्ट्रांगली कदम उठाया। हालांकि मैं आदिल से बेइंतहा प्यार करती हूँ, अनकंडीशनल लव है मेरा उनके लिए, बट जो उन्होंने मेरे साथ किया और बहुत सारी लड़कियों के साथ किया है, वो माफी के काबिल नहीं है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया, बहुत दिल पे पत्थर रखकर कदम उठाया है। किसी न किसी को इनिशिएट करना चाहिए था। मेरे लिए हर एक लड़की की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लड़कियां, वो लड़के, वो कभी नहीं समझ पाएंगे जो हमने कदम उठाया है, क्योंकि उनके घर में से कुछ गलत हुआ नहीं है। उन सबको अपना घर सेफ रखना होता है, सबको अपना घर सेफ रखना होता है। किसी के घर में चोरी हो जाती है, मर्डर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, तब जाके वो एक्शन लेते हैं। तो उनको अधिकार नहीं है दूसरों पे जज करने का कि कौन क्या कर रहा है। हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मैं आज कितने टाइम के बाद शूटिंग पे जा रही हूँ, कोर्ट कचहरी के धक्के खा रही थी, और रो रो के मेरी आंखें भी थक गई है। क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा सब हुआ? क्यों आदिल ने मेरा इस्तेमाल किया? आदिल को सिर्फ एक बड़ी गाड़ी चाहिए, या फिर बड़े घर चाहिए, या ज्यादा पैसा चाहिए? इन सब चीजों के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों किया? और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, उनका इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा आदिल ने बुरा किया। जब इंसान शादी करता है, नई जिंदगी जीता है, तब उसे पता नहीं होता है कि वो ड्रामेबाज बोल रहा है कोई। हाँ भाई, तेरी बहन के साथ नहीं हुआ ना, इसलिए तुझे तो ड्रामा ही लगेगा। या तेरे साथ नहीं हुआ ना भाई, तो तेरे को ड्रामा ही लगेगा भाई। तेरे साथ हो, तेरी बहन के साथ हो ना, तब तेरे को, तू उसका, ऐसे लड़कों का तू डायरेक्ट मर्डर ही कर देता। लेकिन हम कानून लेने का हमें अधिकार नहीं है। हमारा काम है कि हम पुलिस चौकी जाए, कोर्ट जाए, कोर्ट से जो भी न्याय मिल सकता है मिल सकता है। वहां पे भी जाके वो हर जगह सेटिंग कर रहा है, उसको एक बहुत घमंड है कि कहीं से भी पैसा लेकर पुलिस से सेटिंग करे, कोर्ट से सेटिंग करे, हर जगह से सेटिंग करे। खुदा से सेटिंग नहीं कर सकता वो, वो इंसानों से, जज से, पुलिस से, हर जगह से सेटिंग कर सकता है, खुदा से सेटिंग नहीं कर सकता। हमारा आज मेरी जो जिंदगी उसने बना दी नर्क जैसी, अन्य और लड़कियों के बना दी उसने नर्क जैसी। उठ रही हूं मैं, कोशिश कर रही हूं जीवन में फिर से उठने की। मैं स्ट्रांग हूं,
हर वक्त मेरा खुदा कहता है तू स्ट्रांग है, उठ जा, चल उठ फिर से काम कर, तकलीफें आएगी जाएगी। जरा जल्दी लेना हा कृष्णा, लेट नहीं होना चाहिए शूटिंग पे। उठ रहे हैं, जी रहे हैं। शेम ऑन दोज पीपल, खुदा उन्हें पनिशमेंट करे जो मुझे और लड़कियों के साथ जुआ हुआ है। उनके दोषी को हमने उसे सही जगह उसके पहुंचाया है, बहुत ही दिल पर पत्थर रखकर, मेहनत करके, हिम्मत करके। खुदा मैं दिल से दुआ करती हूं उनको पनिशमेंट हो जो हमारी तकलीफों को ड्रामे का नाम देते हैं, मेरी तकलीफ को और लड़कियों की जिंदगी से वो खेला, हमने सही कदम उठाया उसको एक ड्रामे का नाम देते हैं। बहुत आज शूटिंग पे जा रही, मेरा गाना है, गाने की शूट है, बट आई रिमेम्बर इसी कंपनी का पहली बार गाना मैंने दिया था आदिल को, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। किसे क्या पता था कि वो गाना सच हो जाएगा। आज मैं एक बहुत अच्छा गाना शूट करने जा रही हूं जो मेरी जिंदगी पर बेस है। काफी शूटिंग का ऑफर है मुझे, लेकिन शूटिंग पे ध्यान ही नहीं दे रही हूं मैं, कोर्ट कचहरी यहां वहां भाग रही हूं। मैंने भी एक अच्छी जिंदगी सोची थी, शादीशुदा, बच्चे, लाइफ, लेकिन नहीं मालूम था। शेम ऑन दोज गर्ल्स जो हमारी तकलीफ को ड्रामा कहते हैं। शेम ऑन दोज मैन्स जो औरत को इतनी तकलीफ देते। मैं आपको सच कहती हूं, खुदा की कसम, मैंने आदिल को 8 महीने की शादी में कम से कम 60-70% माफ किया, आगे बढ़ी, लेकिन जब 100% हो गया तो माफ नहीं कर पाई। मैंने कहा अब नहीं होगा खुदा मुझसे, खुदा अब नहीं होगा मुझसे। और हमारी तरफ से कभी कुछ नहीं होता, खुदा की तरफ से ही होता है। जब बहुत ज्यादा पापों का घड़ा भर जाता है, तभी मैं सोचूं कि मुझे क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों आदिल ने इतनी लड़कियों की जिंदगी खराब करी, और मैं ही क्यों उसकी जिंदगी में आई, शादी हुई मेरी, शायद यही दिन लिखा था। लास्ट रमजान को हम लोग मिले थे, अब रमजान आने वाला है, मैं कैसे अकेले रोजे करूंगी, कैसे अकेले सब करूंगी। आदिल के साथ हमारा वादा था, उन्होंने वादा किया था कि साथ में रोजे करेंगे, उमरा जाएंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती आदिल को रियाई मिले। आदिल, मैं चाहती हूं खुदा, अगर तू है, हर वक्त है, हर जगह, उसे उसे कर्मों की सजा जरूर मिले। हाँ, उसका घमंड टूटे, अमीर बनने की जो इच्छा है लड़कियों को, आदमियों को फंसा के, सबके चेक बाउंस करके, ज्यादा पैसे कमा के, लोगों को लूट के, जूस में ऐसे पदार्थ मिला के लड़के औरतों को, बड़ी उम्र की औरतों को
लड़कियों को ऐसे पिला के बेहोश करके उनके वीडियोस बना के, वो जो उन्होंने किया है बहुत गलत है, उनकी जिंदगियों से खेले हैं। लेकिन मेरा इस्तेमाल हुआ इसमें, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरे से शादी करके मैं तो एक अच्छा घर बसाना चाह रही थी, अपना संसार, लेकिन मेरा इस्तेमाल हुआ इसमें। चलो ठीक है, मेरा ही सही, शायद कोई और लड़की ये कर नहीं पाती, शर्म के मारे घर में बैठी रहती या उसको वो ब्लैकमेल करता रहता। मैं डरी नहीं, मैं बाहर आई, मैं डरी नहीं, मैं बाहर आई, सामना किया, मारने की धमकी दी उसने मुझे, ट्रक से कुचलने की धमकी दी, दुनिया से उठा देने की, जिंदगी बर्बाद करने की, तलाक देने की सारी धमकियां वो दे चुका मुझे। डरी नहीं मैं, मैंने सामना किया। आज लाइव इसलिए आई हूं मैं आप सबके सामने कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिन रात हो रही हूं मैं, क्योंकि मेरा सब कुछ लूट गया। एक आदमी को पनिशमेंट दिया, कोर्ट तक लेकर गई हूं, मैंने कदम उठाया तो और भी लड़कियों ने कदम उठाया है। इसका असली चेहरा लाना था, वरना मुझे जिंदगी भर रिग्रेट होता कि मैं हमेशा हर वुमेन सच्चाई के लिए लड़ती हूं, चाहे आदमी हो या औरत। तो मैंने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? अपना घर हर कोई बचाना चाहता है, दूसरों की लड़ाइयां लड़ना चाहता है, शुरुआत तो अपने घर से ही करनी चाहिए। और मरना है मुझे एक दिन, मैं खुदा के सामने जाके ये कभी नहीं बोलना चाहती कि तुझे सारी सच्चाइयां पता थी, ये लड़कियों की, आदमियों की, लोगों की, बूढ़े लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, लोगों को लूट रहा था, तूने इसको साथ दिया तो तू भी उतनी ही भागीदार है इसके पापों की, तो इसकी आधी सजा तुझे मिलेगी नरक में। तो मैं नहीं, मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलती हूं, दिन रात मेहनत करती हूं, कम पैसा मिले चलेगा, मुझे मेहनत की रोटी चाहिए। मुझे कोई ऐशो आराम का शौक नहीं है उतना, जो मुझे खुदा की तरफ से हलाल कमाई मिले मैं उसमें खुश हूं, चाहे कम पैसा मिले, डजंट मैटर। किसी को लूटना पसंद नहीं करती मैं, किसी को बेवकूफ बनाना पसंद नहीं करती मैं। आज बेवकूफ बनाऊंगी, 5 साल के बाद मुझे कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, कब्र में जाने के बाद, मरने के बाद। जिंदगी बहुत, असली जिंदगी तो वहां शुरू होती है, ये जिंदगी तो यहां इम्तिहान है कि हम क्या करते हैं, खुदा हमें देखता है, हम अच्छे बनते हैं कि हम बुरे बनते हैं, ये हमारा इम्तिहान तो ये जिंदगी में होता है पृथ्वी पर। असली जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है, कि हम इंसान कैसे हैं, क्या हम पापी लोगों को साथ देते हैं पापों में, या हम पापी होकर अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। बस मेरी तो यही छोटी जिंदगी है, अब अकेली हूं, मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, न माँ है न पति है। सॉरी, शूटिंग पे जा रही हूं, सूजा हुआ चेहरा वहां पे नहीं चाहिए, लेकिन जीना है। देखते हैं आदिल सुधर के बाहर आते हैं कि नहीं। मैं सच आपसे वादा करती हूं, अगर सुधर के बाहर आते हैं, अपना घमंड निकालते हैं, कोर्ट में लिख के देते हैं, स्त्री लड़कियों के लिए आपने एक लॉयल बीवी को, निकाह की बीवी को छोड़ा, मुझ पर हाथ उठाया, मुझे छोड़ दीजिए, मैं वो सारी चीजें नहीं रिपीट करना चाह रही। रो रो के तो मेरे दिन रात बुरे हाल है, किसके पास जाऊं, किसको कहूं, खुदा देखता है। शूटिंग पे जा रही हूं, लेकिन मेरे कोरियोग्राफर मुद्दसर भाई बहुत नाराज होंगे मुझसे, ये क्या सुझा हुआ चेहरा लेकर आई ये करके, क्योंकि सुझा हुआ चेहरा स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखेगा गाने में। बहुत इमोशनल हूं मैं, आदिल को बहुत प्यार किया मैंने, दिल से प्यार किया, दिल से। एक लड़की जब घर बसाती है ना, बहुत लॉयल होके बसती है,
लेकिन मैं बहुत ही लॉयल रही, खुदा की कसम, मेरी माँ की, मरी हुई माँ की कसम, बहुत ही लॉयल रही मैं, बहुत ही लॉयल। आदिल तुम्हें मेरी जैसी बीवी कभी नहीं मिलेगी, इतनी लॉयल जो तुम्हें कभी कोई चीज कमी नहीं करी किसी भी चीज में। चलिए दोस्तों, मेरा वक्त हो गया है शूटिंग पे, आ गया है मेरा लोकेशन, मैं पहुंचने वाली हूं और मैं और ज्यादा नहीं रोना चाह रही हूं। चलो बाय, सी यू एवरीवन, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी।